नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। इंदौर में ऑटो शो की धूम मची हुई है। देश विदेश की बेहतरीन गाड़ियां और उनकी रेस देखने शौकीन लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं। देश के इस सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऑटो शो के जरिए सफाई का संदेश भी दिया जा रहा है। यहाँ शहर की सफाई में प्रयोग किए जाने वाले 8 देशों के वाहन भी रखे गए हैं। इनमें CNG और इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। ये सभी तरह की सफाई के उपयोग में लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल बेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर मोहन पांडे ने बताया कि इंदौर में सफाई कार्य में लगी 8 देशों की गाड़ियां भी लॉन्च की गई हैं। इनमें भारत के अलावा स्वीडन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, US, बेल्जियम और UK की गाड़ियां भी शामिल हैं। इनमें मॉन्यूमेंट की सफाई करने वाली गाड़ियां भी शामिल की गई हैं। खासतौर पर बेस्ट कलेक्शन और मेन होल्स की सफाई करने वाली गाड़ियां ऑटो शो में लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा मेन होल्स की सफाई करने वाले रोबोट वाली गाड़ियां भी हैं। इनमें सबसे बढ़िया मेड इन इंडिया गॉबलर है, जो इलेक्ट्रिक से चलती है। ये मेन होल का कचरा सोख कर बाहर निकाल देती है। ये सभी अत्याधुनिक क्लीनिंग व्हीकल हैं। इंदौर में साफ सफाई अभी तक इटली और US से मंगवाई गई अत्याधुनिक मशीनों से ही की जाती है। ये गाड़ियां डीजल से चलती हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। लेकिन अब स्वच्छता की शर्त है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी साफ रहे, और ऐसे में इन मशीनों से सफाई की बजाय नगर निगम CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहा है। इसीलिए ये वाहन अब स्वच्छता की स्पर्धा में शामिल सभी शहरों के लिए कारगर साबित होंगे। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां MP विधानसभा चुनाव मैदान में BJP हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरेगी। इसका इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने MP BJP के कोर ग्रुप की बैठक में कर दिया। बैठक दिल्ली में गुरुवार को हुई। यह पहला मौका है जब संघ के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें संघ के एजेंडे पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा भी की गई। बैठक में खरगोन दंगे का मुद्दा भी उठाया गया और इस पर तय हुआ कि दंगाइयों पर उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई की जाएगी। यानी मिशन 2023 का एजेंडा हार्डकोर हिंदुत्व का होगा। खास बात है कि बैठक में सत्ता संगठन पर संघ हावी रहा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने सख्त तेवर दिखाए। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रोडमैप पर भी चर्चा की गई। 1.5 साल का प्लान वर्कआउट किया गया। खासकर SC ST आरक्षित 87 सीटों पर ज्यादा फोकस किया गया। बैठक में कहा गया है कि दलित, आदिवासी और क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से लीडरशिप को डेवलप किया जाए। यह कैसे होगा, इस पर संघ की तरफ से कई टिप्स भी दिए गए। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने ऑटो शो को एक चुनावी सगुफा बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव अपने राजशाही शौक पूरे करने के लिए जनता के टैक्स के पैसों से ऑटो शो 2022 का आयोजन कर रहे हैं। इस तरह के आयोजन से ना पीतमपुर ऑटो हब बन सकता है और ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज के ये मंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके आयोजन करके झूठे सपने दिखा रहे हैं। MPCC के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का कहना है कि हकीकत यह है कि पीतमपुर में तो कई उद्योग बंद भी हो चुके हैं, वहाँ पानी की भी काफ़ी दिक्कत है। इस वजह से नए उद्योग पीतमपुर में आने को तैयार भी नहीं है। ऑटो शो के बड़े बड़े दावे करने से पूर्व CM शिवराज सरकार ने अपने इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी। सबसे पहले शिवराज सरकार के उद्योग मंत्री को वह लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टर समिट में आए उद्योगपतियों के उद्योग पीतमपुर में लगे हों, कितने युवाओं को पीतमपुर में नौकरी या रोजगार मिला हो, उनके नामों की लिस्ट भी राज्य सरकार को जारी करना चाहिए। यादव ने कहा कि ऑटो शो के जरिए रोजगार की बात करना ही बेवकूफी है। यह मात्र उद्योग मंत्री की बैंडबाजा कार बाइक रेस की बारात है। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां राजधानी भोपाल में 1 मई से नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो रही है। मल्टी लेवल एवं प्रीमियम पार्किंग में पहले की तरह चार्ज देना होगा। नई गाड़ी खरीदते ही नगर निगम एक मुश्त शुल्क जमा करा लेगा। ये शुल्क 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होगा। इसमें 2-व्हीलर और 4-व्हीलर की कीमत के अनुसार शुल्क जमा किया जाएगा। यानी गाड़ी की कीमत यदि 50,000 रुपये के भीतर है तो 250 रुपये लगेंगे, और यदि यह 4-व्हीलर है और कीमत 30 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये तक भी देने होंगे। दूसरी ओर 1 मई से करीब 50 स्थानों पर पार्किंग चार्ज नहीं देना होगा। शहर में वर्तमान में संचालित एवं नई प्रस्तावित सभी मल्टी लेवल पार्किंग
एवं प्रीमियम पार्किंग को छोड़कर वर्तमान एवं नई प्रस्तावित समस्त ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग निःशुल्क रहेंगी। मल्टी लेवल एवं प्रीमियम पार्किंग में पहले की तरह पार्किंग शुल्क वसूली जारी रहेगी और निःशुल्क पार्किंग की सुविधा निगम द्वारा निःशुल्क घोषित पार्किंग स्थलों पर ही उपलब्ध होगी। वहीं उक्त स्थानों के अतिरिक्त नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग करने पर नियमानुसार यातायात पुलिस कार्यवाही होगी और पार्किंग स्थलों पर अनिश्चित समय तक वाहन रखने की अनुमति भी नहीं होगी। निःशुल्क पार्किंग स्थलों पर युक्तियुक्त समय तक ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे। नई गाड़ी खरीदते समय डीलर लोगों से चार्ज लेंगे और वह नगर निगम को जमा करेंगे। पुरानी गाड़ियों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। करीब 55 पार्किंग स्थलों पर 1 मई से चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को अपनी गाड़ियां वहीं खड़ी करनी होगी जो निर्धारित स्थान तय किए गए हैं, वरना ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्यवाही भी करेगी। देखिए, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। जहां मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, राज्य के 15 जिलों में आज लू चलने के आसार हैं। यहां के लिए मौसम केंद्र भोपाल ने येलो अलर्ट जारी किया है और बीते दिन प्रदेश में लू के थपेड़ों से आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित भी किया है। प्रदेश में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। राज्य के 3 शहर राजगढ़, खजुराहो और नौगांव देश के सबसे 10 गर्म शहरों में शामिल रहे। राजगढ़ में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया, वहीं खजुराहो और नौगांव में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजगढ़ समेत ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, छतरपुर के खजुराहो के साथ साथ नौगांव, दमोह और रतलाम में लू चली। वहीं भोपाल में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, जबकि जबलपुर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल के मौसम केंद्र ने शुक्रवार को सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रायसेन, धार और नीमच समेत कई जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।